आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोचन तथा इस प्रमोचन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रपॉन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, उसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है, यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर। ऑल सीक्वेंसेस साउंड स्टेज रेडी टीवी रेडी। L110 VHPP ओपन, MOV 79 ओपन। रियल टाइम प्रोग्राम एक्टिवेटेड। -25 seconds. L110 VSPP ओपन। -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal PM Here tracking. we have a majestic lift off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LBM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S200 मोटर्स थ्रस्टिंग साइमल्टेनियसली जनरेटिंग अ पीक थ्रस्ट ऑफ क्लोज टू 6000 किलो न्यूटन्स इन वैक्यूम। दे आर मेड ऑफ HTPV बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट, 204.5 tons in each strap-on.
close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 strap-on boosters का full प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है. इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है. अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, payload fairing को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है. We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 170.